थैंक यू सो मच। और मुझे याद है मैं पहले भी आपके कॉलेज आ चुका हूँ और मेरे को बड़ा मजा आया था परफॉर्म करने में। आई थिंक वो मेरा पहला शो था बॉम्बे शहर का जो आपके कॉलेज से शुरू हुआ था। शुरुआत यहीं से हुई थी मेरी भी, बॉम्बे शहर की जो जर्नी मेरी यहीं से शुरू हुई थी। और तब भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था और हमेशा आप लोग बहुत प्यार देते हो। हम अपनी मूवी लेके आ रहे हैं, मेरी फर्स्ट टाइम मैंने एक्टिंग करी है और नंबर आपने देने हैं। मैंने अपना एग्जाम दे दिया है और आपकी बारी। आप सब टीचर्स हो मेरे इस वाली जर्नी में भी। और कुछ खट्टा हो जाए, मूवी रिलीज हो रही है 16 फरवरी को। मैं चाहता हूँ आप लोग अपना टाइम निकाल के ज़रूर मूवी को देख के आओ। उसमें बड़े अच्छे गाने हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी बात उसमें यह है कि मेरी हीरोइन बहुत सुंदर है। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि आप ही के शहर की है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार सही के लिए इतना शोर मचाओ कि आपकी चेयर्स टूट जाए। अभी पहले सही थैंक यू सो मच इतना वार्म वेलकम देने के लिए। हम आज कुछ खट्टा हो जाए प्रमोट करने आए हैं और आपका प्यार देख के ऐसा लगता है कि हमको इस मूवी के लिए भी बहुत प्यार मिलने वाला है। सो थैंक यू। अच्छा, अगर तो मेरा शो होता तो मैं आप सबको बोलता कि मेरा कोई जो शो है वो बैठ के देखने वाला है नहीं, बट मैं ऐसे प्रपोज करने आया। बट आप स्टिल ना 2 मिनट के लिए सारे खड़े हो सकते हैं। मेरे को लगता है आप इसको देख के ना बंदों को खड़ा होना चाहिए। अब मेरा शो था तो मैं आपको जबरदस्ती करवाता, बट अगर बैठ के कुछ चीज देखी तो क्या ही देखी। मैं चाहता हूँ आप लोग इंजॉय करो यार, ऐसा शो ऐसे होता। देखो ये है मजा शो का। अब शोर मचाओ। और मेरे साथ 2 लाइनें गानी। I think it's a beautiful journey and I want everybody to support me the way they have supported me since day one. I remember starting my journey, pehla mera show Bombay ka Pillai College mein hua tha and again to promote my movie. First time main Pillai College aaya hu aaj to promote my movie and it's a new journey. And I wish all the students luck. Make sure you guys work hard for your dreams and make your parents proud and keep watching, keep streaming my songs, everybody's song. And I'm very much excited and I think ये लोगों का प्यार है कि मैं आज मूवी कर रहा हूँ और आप सबके लिए और एंटरटेनमेंट लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। पार्टी सही ने तो काम किया हुआ है एक्टिंग में। ऐसे इजीली सब कुछ हो गया? नहीं, कुछ डिफिकल्टी लगा। इट्स जस्ट जब आप एक जर्नी पे होते हो तो आप मेहनत करते हो, आप रोज कुछ ना कुछ नया करना चाहते हो लाइफ में, सो दैट आप चैलेंज एक्सेप्ट करो, सो दैट आप अनइजी रहो। तो मेरा मैं अनइजी रहता हूँ लाइफ में और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा अनइजी रहूँ और आप सबका प्यार पाता रहूँ। ऐसे हो जाए ये सुना हुआ है, मगर खट्टा कुछ खट्टा हो जाए ये सब पूछे तो आखिर क्या है इस मूवी में? ये मूवी में यार बहुत सारा फन है, लाफ्टर है और कॉमेडी है और साथ के साथ हम एक वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपके घर पे आपकी बेटी है या बीवी है या गर्लफ्रेंड है या माँ है, जिसको भी अपना ड्रीम पूरा करना है, उसको प्लीज हेल्प हर टू अचीव अ ड्रीम। Because anyway she is gonna do it, just be part of her journey. So support girls. सही ने तो काम किया है एक्टिंग में पहले भी दबंग 2 में, मगर पहली बार डेब्यू आपने किया है इसमें, तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी थी पूरे। नर्वसनेस होती है जब आप बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करते हो, अनुपम सर है इस मूवी में, बट एट द एंड जब आपको हर जगह से सपोर्ट मिल रही हो, आपको हर जगह से प्यार मिल रहा हो, तो देयर इज नो नेवर लुकिंग बैक। देन सेम वे मैंने भी ऐसे ही मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा। मेरी फ्लाइट है, आई हैव टू गो टू अहमदाबाद एंड थैंक यू सो मच।